गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम सीएलसी सीकर। बात करते हैं अपन आज भ्रूण नीति में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आया है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। किससे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। क्या पूछा था? करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस निकल Br2 Pa ट्राइफेनिल फॉस्फिन एंड मेरीडोनल कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस रिस्पेक्टली, इनकी स्ट्रक्चर बनानी होगा। देखिए, अगर दो ग्रुप के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो उसे ट्रांस कंडीशन कहा जाता है। अगर दो ग्रुप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उसे सिस कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर 180 का एंगल है, अगर देखिए और में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी, तो ये तो इसकी सिस कंडीशन होगी। और जब ये कौन सी होगी? ये ट्रांस कंडीशन होगी। कैसी होगी? ट्रांस कंडीशन अपने पास होगी। ऐसे ही बात करें फेसियल एंड मेरीडोनल, एक कंडीशन बनती है जब सिंगल एटम हो Ma3B3, इसमें दो आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं फेसियल एंड मेरीडोनल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी बार पूछी जाती हैं तो इसमें भी पूछा गया है। फेसियल एंड मेरीडोनल के लिए बात करें, एक स्क्वायर शेप है अपने पास, उसके ऊपर एक यहाँ है एक यहाँ है। अगर अपन बात करें ऊपर और यहाँ पर सेम मिले, मतलब ये फेस और ये फेस दोनों इसमें कैसे होंगे? यहाँ यहाँ और नीचे की ओर। अगर ये दोनों फेस एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? फेसियल कंडीशन कहेंगे। जबकि इसने पूछा क्या है? मेरीडोनल कंडीशन पूछा है। तो इनकी अपन इनको साथ में नहीं रखकर इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? मेरीडोनल हो जाएगी। तो ट्रांस कंडीशन यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, उसमें सिस है, इसमें भी सिस है। तो इन दोनों में बात करें कि मेरीडोनल कौन सी होगी, क्या होगी? मेरीडोनल कौन सी होगी? यहाँ बात करेंगे बेटा, ये मेरीडोनल नहीं होंगी, ये फेस और ये फेस एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए मेरीडोनल कंडीशन अपने को किसमें मिल जाएगी? इसमें मिल जाएगी। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, आंसर आ जाएगा कौन सा? सेकंड। तो फर्स्ट में अपना आंसर मिलेगा अपने को सेकंड। फिर कह रहा हूँ आपको ये याद रखना है, फेसियल एंड मेरीडोनल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान कीजिए। क्लोरोफिल बहुत सिंपल है, क्लोरोफिल के बारे में आपको सबको पता है। क्लोरोफिल में क्या मिलता है अपने को? मैग्नीशियम मिलता है, क्या? एम। तो इसका क्या जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। विटामिन बी 12, ये आपको याद होगा, विटामिन बी 12 में कौन होता है? कोबाल्ट होता है, एंटी कैंसर ड्रग। ये बेटा जी मैं आपको बोलता था NCERT में जो यूज दे रखे हैं इसके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, उनके बारे में बात करूँ। एंटी कैंसर ड्रग इसमें में कौन होता है? प्लेटिनम होता है। लास्ट बच गया अपना ग्रुबस क्रिस्टल कैटलिस्ट, रुथेनियम होता है। तो अपन मिलान करते हैं, फर्स्ट का आएगा फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ तीन में दे रखा है, तो ये तो कैंसिल हो गया अपना। उसके बाद में बी का कोबाल्ट थर्ड, बी का थर्ड इसमें दे रखा है और इसमें नहीं दे रखा, ये भी कैंसिल हो गया। तो अपने पास दो बचे, फिर दे रखा है एंटी कैंसर, प्लेटिनम होता है, ठीक है। तो थर्ड का आ जाएगा सेकेंड, थर्ड का सेकेंड किसमें है? थर्ड में है। तो अपना आंसर आ गया थर्ड। तो अपने को इसके बारे में मान लो नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता हो, पर बाकी तीन के बारे में अगर पता हो तो अपना ऑप्शन देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आए मैचिंग वाले तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इनको थोड़ा ध्यान देकर करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स K3Cr ऑक्सिलेट थ्री। अब कई बच्चे देखो बेटा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कैसे बताएं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ऐसा जब भी आ जाए तो अपने को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम किसमें है? प्लस थ्री में है। क्रोमियम किसमें है? प्लस थ्री में है। तो D1 जब भी आए, D2 जब भी आए, D3 जब भी आए, इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमेशा कैसा अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें तो हमेशा कितने आएंगे बेटा? तीन आएंगे, सॉरी एक आएगा। इसमें कितने आएंगे? दो आएंगे हमेशा, और इसमें कितने आएंगे? तीन आएंगे। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों ही कंडीशन में क्या आएंगे? इनमें क्या बनेगा अपने पास? तीन, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन। तो आंसर आ जाएगा अपने पास तीन, क्योंकि क्रोमियम यहाँ प्लस थ्री में है, क्रोमियम प्लस थ्री में क्या लिखते हैं? D3 लिखते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें तीन। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द कॉलम फिर आ गया बेटा। बात करें इसमें मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड,
अब कह रहे लिंकेज आइसोमेरिज्म, इनके लिए मैं आपको बात कर दें, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्बिडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड जरूरी है। देखिए इनमें एम्बिडेंट लिगेंड अपने को कहाँ मिल रहा है, एम्बिडेंट लिगेंड ये रहा, दो कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, दो अपने पास आ रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स। सॉल्वेंट के लिए अपने को वाटर जरूरी है, वाटर इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट वाला, ठीक है। उसके बाद अपने बात कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए दो क्या जरूरी है, दो कॉम्प्लेक्स जरूरी है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसमें देखिए इसमें दोनों मिल रहे हैं अपने को, तो ए का अपने पास आ जाएगा थर्ड, ए का आ जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बी का आ जाएगा एम्बिडेंट लिगेंड, बी का आ जाएगा अपने पास लिंकेज, बी का आ जाएगा फर्स्ट। सी का देखिए, सी का भी अपने बताया और अपने पास आ जाएगा सेकंड, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी है सिस कंडीशन में ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसकी ट्रांस कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगी, इसकी सिस कंडीशन ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा देखिए क्या किसमें मिल जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड एक में ही दे रहेगा, अपने पास आंसर आ गया फर्स्ट। मैच द कॉलम है, आपको फिर कह रहा हूँ मैच द कॉलम है बहुत ईजी हो जाते हैं अगर आपको एक दो ऑप्शन ढंग से किसी ने नहीं बनाए हैं। एक आंसर भी अगर आपको मिल गया, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक आंसर अपने को मिल गया कि ये क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, या कोई भी एक लेके चल दोगे आप पता लग जाएगा आपको, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलिन डायमीन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द न्यूट्रल लिगेंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द ट्रांस कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl का होल थ्राइस 4NH3। देखिए बेटा अपन इसका कॉम्प्लेक्स बनाएं CONH3 का होल 4Cl2 एंड ये Cl बनाया। अब NH3 एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसको बाईडेंटेड लिगेंड के द्वारा रिप्लेस करना है। ये कैसा होता है, बाईडेंटेड लिगेंड होता है, त्रिदंतु क्या बोले बाईडेंटेड, तो एक बाईडेंटेड आएगा, एक बाईडेंटेड आएगा तो दो एकल दंतु जाएंगे, और उदासीन है कौन से, उदासीन अपने पास कितने हैं, चार हैं, चार हैं, तो इनकी जगह पे कितने बाईडेंटेड लगा सकता हूं मैं, दो लगा सकता हूं, तो यहां अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, दो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, टू, ठीक है बेटा। तो बाईडेंटेड, एक बाईडेंटेड दो एकल दंतु को रिप्लेस कर देता है, मोनोडेंटेड को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द गिव द कॉम्प्लेक्स आयन आर अरेंज करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा जी ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, काफी बार अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है ऐसे काफी बार क्वेश्चन बात की जाती है। तो अपन बात करें, देखिए Fe+3 में है, यहां कोबाल्ट +3 में है, निकल +2 में है, यहां ठीक है, यहां कॉपर +2 में, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, D9 बनेगा ये, यहां पे विन्यास क्या बन रहा है, D9 बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D9 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। निकल बात करें, D8 बन गया, वीक फील्ड लिगेंड है, D8 बन गया, वीक फील्ड लिगेंड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो, ठीक है। कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 है, तो क्या बना यहां पर, यहां पर D6 बनेगा, क्या D6 बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहां पर मेरे को 0 मिल जाएंगे, Fe+3 है, वीक फील्ड लिगेंड है, Fe+3 में क्या बनता है बेटा, D5 बनते हैं, क्या बनते हैं, D5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे अपने, कितने मिल जाएंगे 5, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेंगे, फर्स्ट में, और बाद में किसमें मिलेंगे अपने को, सेकंड में, फर्स्ट में सबसे ज्यादा, फिर किसमें, इसमें सेकंड में कितने आ गए, 0, सेकंड में तो 0 है, फिर थर्ड में सेकंड है, फिर फोर्थ में 1 है, और सेकंड में 0 है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। दोबारा देख लीजिए बेटा, यहां पर 0 है, सेकंड में 0 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज्यादा किसमें, फर्स्ट में, फिर दो किसमें है, थर्ड में है, फिर एक किसमें है, फोर्थ में है, और इसमें कितना है, 0, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको करने के लिए, जल्दी से करने के लिए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लो, फिर एस वाले इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दो, किसको, एस वाले इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा।
द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ एम एन सी एन का होल सिक्स माइनस फोर एंड एफ ई सी एन का होल सिक्स माइनस थ्री में बात करें. देखिए बेटा, पहले सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं. एम एन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? प्लस टू आ जाएगी. ठीक है, एफ ई में कितनी आ जाएगी? प्लस थ्री आ जाएगी. दोनों में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? डी फाइव. और इसमें भी क्या आ जाएगा? डी फाइव आ जाएगा. दोनों में ही डी फाइव है बेटा जी. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों में डी फाइव हो, तो इनमें कभी भी पैरा मतलब हमेशा क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा. हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? एक रहेगा ही रहेगा. तो स्पीसीज कैसी मिलेगी अपने को? पैरा मैग्नेटिक मिलेगी. तो ये दो तो कैंसिल हो गई अपने पास. अब हाइब्रिडेशन देखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग कर देगा, पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इनमें रहेगा. तो हाइब्रिडेशन इनमें आ जाएगा अपने पास डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडेशन आ जाएगा. क्या? डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडेशन आ गया अपने पास और पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज हो गई. नेक्स्ट बात करें, फोर ए डी फोर मेटल आयन इन एक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कब? डी फोर में बात करें बेटा, डी फोर में बात करें तो डी फोर में ऑक्टाहेड्रल के लिए अपन बात करें, नीचे कितने रहेंगे? तीन, और ऊपर क्या रहेंगे? दो रहेंगे. ठीक है, टी टू जी एंड ईजी. यह टी टू जी ईजी. अब कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल को हमने डी फोर में बात करें. अगर डी फोर में बात करेगा बेटा, एक तो अगर दो कंडीशन बन सकती हैं, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है या स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है. अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हुई तो सिंपल सिंपल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे डी फोर में, एक दो तीन और चार. ठीक है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे अपन? ये कंडीशन कब की बता रहे हैं? ये कंडीशन है जब डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, और ये कंडीशन कब की है? जब डेल्टा ओ लेस देन पी. तब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं अपन. कह रहा है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो दो दो, ये तो रॉन्ग हो गया. ठीक है, जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो टी टू फोर, टी टू फोर नहीं आएगा, टी टू थ्री आएगा. टी टू थ्री और ईजी वन आ जाएगा, और यहाँ पर टी टू फोर आएगा. यहाँ बात करें टी टू थ्री ईजी फर्स्ट, परंतु कब? इसमें तो क्या बनेगा? टी टू फोर बनेगा, ये भी रॉन्ग हो गया. अपने पास फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, टी टू जी थ्री ईजी फर्स्ट. कब? जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है. तो ये देखा अपने, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, टी टू जी थ्री एंड ईजी फर्स्ट आ गया, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा. क्या आ जाएगा? फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पीसीज दैट हैज ए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5.9 मैग्नेट. बेटा जी 5.9 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच है. जल्दी से करने का तरीका बेटा, अगर मेरे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मेरे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 1.73 आता है. दो आए तो 2 point something, तीन आए 3 point something, चार आए 4 point something, इस हिसाब से आएंगे. ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा 5.9 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पांच है मेरे पास. कितने हैं? पांच. तो देखते हैं पांच किसमें आते हैं. इसमें बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, तो स्क्वायर प्लेनर में कभी पांच अपने पास नहीं मिलेंगे. ठीक है, डी एट हो गया ना, डी एट में चाहे कोई भी आ जाए पांच तो होंगे ही नहीं. इसमें बात करें एस पी थ्री हाइब्रिडेशन है, इसमें जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि एस पी थ्री हाइब्रिडेशन के दो एस वाले अंदर कहां चले गए? अंदर चले गए. यहां बात करें, यहां एम एन प्लस टू में है, प्लस टू में तो डी फाइव बनेगा, टेट्राहेड्रल शेप है, एस पी थ्री हाइब्रिडेशन आएगा, सारे के सारे अनपेड रहेंगे. तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा. कौन सा थर्ड आंसर आ जाएगा? यहाँ बात करें निकल प्लस टू में है, निकल प्लस टू में है तो यहाँ भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, परंतु अपने को कितने चाहिए? पांच चाहिए, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट बात करें, कंसिडर दैट ए डी सिक्स मेटल आयन एम प्लस टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स दैट एक्वा लिगेंड एंड द स्पिन ओनली. एक्वा लिगेंड है बेटा, लिगेंड कौन से हैं? एक्वा लिगेंड है, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद स्पिन, द स्पिन ऑफ ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 4.9 है. द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. बेटा जी बात करें, एक्वा लिगेंड है, एम प्लस टू है,
तो अपन ले लें Fe, H2O एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लें तो प्लस टू आ गया, ठीक है। इसलिए ले सकते हैं, या D6 है। और बात करें तो इसमें अपन अगर बात करते तो शेप कौन सी मिलती, ऑक्टाहेड्रल मिलती, परंतु इसकी अगर चेक करते स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो कितनी आती, स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपने पास आती -0.4 डेल्टा ओ प्लस 0.60। यहाँ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते तो अपने पास प्लस 6 में कितने आते, देखो 6 में अपने पास 4 तो यहाँ आते और 2 कहाँ रहते, ऊपर रहते, 2 कहाँ रहते, ऊपर की ओर रहते। तो यहाँ अगर अपन करते तो अपनी एनर्जी कितनी, इतनी ऑक्टाहेड्रल जितनी जितनी आ रही उतनी नहीं आती, ठीक है। तो अपना कॉम्प्लेक्स क्या चेंज हो जाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और एनर्जी इसमें काउंट करोगे ये ऊपर रहेंगे उसमें, तो अपना आंसर आ जाएगा 4th आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4th आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट बात करें, फॉर द ऑक्टाहेड्रल Mn+2 आयन द टेट्राहेड्रल Nc+2 कॉम्प्लेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अष्टफलीय मैग्नीज एंड चतुष्फलकीय निकल संकुलों के लिए कथन विचार कीजिए। पहले बोथ कॉम्प्लेक्स कैन बी हाई, दोनों उच्च चक्रण हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा जी। निकल तो अपने ज्यादातर कंपाउंड बनाता है वो उच्च चक्रण के प्लस टू में उच्च चक्रण ही बनाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का करेक्ट स्टेटमेंट का चूज करना है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये अपने पास, ठीक है। फर्स्ट अपना आंसर 3 में दे रखा है, 4th देख लेते हैं। पीला रंग, पीला नहीं होता बेटा इसका, ऑलमोस्ट पिंक कलर के आसपास होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, जिसमें 4th है वो रॉन्ग हो गया, अपने 4th है ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में अपने को कंपेयर करना है, फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अपन पहले थर्ड और देख लेते हैं, प्रबल लिगेंड क्षेत्र लिगेंड के साथ मैग्नीज निम्न चक्रण हो सकता है, मैग्नीज सेकंड। देखिए बेटा Mn+2 D5 आया, अगर अभी अपन देख के हैं, अगर मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे साइनाइड था ये आ गया, तो ये कैसा हो सकता है, निम्न चक्रण हो सकता है, इसकी पेयरिंग हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है, तो अपना आंसर तो आ गया, थर्ड आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप चेक किया करो कि जिसके बारे में अपने को कंफर्म पता है, जी अपने को कंफर्म पता है, ये अपने को कंफर्म पता है, इसके लिए बात करें तो अपन इस दोनों के लिए अपन कंपेयर कर सकते हैं कि थर्ड किसमें है, थर्ड इसी में है, ठीक है, इसमें अपन, तो इसमें 4th है तो ये रॉन्ग हो गया। इस हिसाब से अपन इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे से क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, अपन ने अभी देखा कि काफी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर काफी क्वेश्चनों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑफ Mn+1 आयन Mn+ आयन प्रोवाइड बिलो देयर लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू एंड मार्क एज ABC स्पेक्ट्रली द करेक्ट मैच बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड देयर लैम्डा वैल्यू। देखो बेटा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा, लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। तो अपन कहें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा आ गया, ये, फिर कौन सा आ जाएगा, ये, और फिर कौन सा आ जाएगा, वीक फील्ड कौन सा होगा, ये। तो अपने पास इसमें लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा, इसमें लैम्डा मिनिमम मिलेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड आंसर आ जाएगा, कौन सा, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा इसमें बात करें, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, तो ये क्या नहीं रिप्रेजेंट करेगा, आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। निकल EN का होल थ्राइस आ जाए, ये आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर देगा, ये क्या बन गया बेटा, MAA बन गया, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर देगा, ये भी रिप्रेजेंट कर देगा, सिसो ट्रांस रिप्रेजेंट कर देगा, ये भी सिसो ट्रांस रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडेशन है, कौन सा है, sp2। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जो किसी टाइप की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। द कॉम्प्लेक्स कैन शो ऑप्टिकली एक्टिविटीज
ऑप्टिकली एक्टिव, अभी अपन बात करके गए बेटा, जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये दो बना दिए इसने, सिस और ट्रांस बना दिए, ट्रांस होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, जबकि सिस होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका स्पेशल ध्यान रखोगे कि सिस एम ए ए का होल ट्वाइस एक्स टू या फिर ए टू की बात करें वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका कैसे बना देंगे अपन, एम ए ए ए ए एंड स्मॉल ए स्मॉल, ये सिस कंडीशन हो गई, ठीक है। जबकि ट्रांस कंडीशन में बात करते हैं अपन, ए ए ए इसमें स्लाइड पियोस आ जाती, पियोस आ जाती तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, क्या होता ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये वाला क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अपना आंसर कौन सा आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर यू ई एन का होल थ्राइस सी एल टू एंड एफ पी एच टू का होल साइक सी एल टू तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा जी, यहाँ पर ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये स्पॉन फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और साथ में ये 4D और 5D सीरीज में जितने भी आते हैं उनमें जो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड या किलेशन भी हो रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कराएंगे इसको, तो यहां पर पेयरिंग करते हुए चलेंगे, यहां पर पेयरिंग करते हुए चलेंगे तो छह के छह किसमें आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, तो अपने पास सिक्स बन जाएगा। सिक्स कितनी जगह आ रहे हैं, दो जगह आ रहे हैं, और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो अपन क्या करेंगे, इसमें वीक फील्ड लिगेंड वाले में पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे, फिर यहां पेयरिंग आ जाएगी तो अपने पास आ जाएगा T2G में कितने आ गए, T2G में चार, और इजी में कितने आ जाएंगे, दो। तो ऐसा देखिए ऑप्शन, T2G में चार, इजी में दो, तो बात करें आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ, कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अपन इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे बेटा। इसमें देखा क्रोमियम किसमें है, प्लस टू में है, यहाँ कोबाल्ट किसमें है, प्लस टू में है, क्रोमियम प्लस टू मतलब D4 बन जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, चार ही आ जाएंगे। इसमें बात करें D7 है, D7 में वीक फील्ड लिगेंड में कितने आएंगे, तीन आएंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा अपना। नेक्स्ट बात करें, इसमें देखें Fe यहाँ प्लस टू में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, जबकि यहाँ जीरो नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा अपने। इसमें बात करें Mn प्लस टू में है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास, पाँच आ जाएंगे, जबकि यहाँ बात करें क्रोमियम प्लस D4 में आ जाएगा, D4 में आएगा तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, चार, जबकि यहाँ बात करें क्रोमियम प्लस टू में है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, D4 है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए, चार ही आ जाएंगे। यहाँ भी वीक फील्ड लिगेंड है, डी यहाँ प्लस टू में D6 रहेगा, D6 में वीक फील्ड लिगेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, तो इन दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं अपने पास, सेम आ रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, फोर्थ आ जाएगा। तो ये अपने जो मेन मेन क्वेश्चन तो आए हुए हैं उनके लिए बात कर चुके अपन, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें आइसोमेरिज्म, पैरामैग्नेटिक, नॉन डायमैग्नेटिक के लिए बात करना, और CFT के लिए बात करना, इन तीन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट यहीं से ज़्यादा बार ज़्यादातर क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इनको देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।